साथियों आरसीबी पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की शानदार जीत और विराट कोहली फाफ डुप्लेसी निकोलस पूरन के विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के बाद आईपीएल 2023 में पॉइंट टेबल के साथ साथ ऑरेंज कप में भी जबरदस्त भूचाल आ गया है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के आरसीबी पर रोमांचक जीत के बाद आरसीबी के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी चैंपियन टीमों को भी पॉइंट टेबल में हुआ भारी नुकसान। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग और किंग इलेवन पंजाब को पॉइंट टेबल में अब तक आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अप में। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे आरसीबी पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की धमाकेदार जीत के बाद कैसे लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने पॉइंट टेबल को तहस नहस कर दिया। दिखाएंगे पॉइंट टेबल का पूरा हाल, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस टाटा आईपीएल 2023 में वापसी कर पाएगी या नहीं, वीडियो में कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा। दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2023 का 13वां मुकाबला कर बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में विराट कोहली की 43 गेंदों पर 61 रनों की विस्फोटक पारी और कप्तान फाफ डुप्लेसी की 46 गेंदों पर 79 रनों की पारी। तो ही आरसीबी के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मैक्सवेल की 29 गेंदों पर 61 रनों की घातक बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 213 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जॉइंट्स की खराब शुरुआत के बावजूद लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मध्यम क्रम के बल्लेबाज मार्कस टेनिस के 64 और निकोलस पूरन के 19 गेंदों पर 61 रनों की घातक पारी के साथ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आयुष बदोनी के महत्वपूर्ण 31 रनों की बदौलत लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने इस रोमांचक मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर पॉइंट टेबल में हलचल मचा दिया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के आरसीबी पर जीत के बाद टाटा आईपीएल 2023 में टॉप पर चल रही राजस्थान रॉयल्स को एक पायदान का नुकसान हुआ। अब वह पहले स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है पॉइंट टेबल में। तो वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कुल 4 मैचों में 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट अपने नाम करके पॉइंट टेबल में खुद को पहले स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पॉइंट टेबल में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर लखनऊ, तो वहीं दूसरे स्थान पर 4 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स है। हालांकि राजस्थान ने अभी तक इस आईपीएल में सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं। साथियों बात करें हम टाटा आईपीएल 2023 के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर की टीम के बारे में, तो यहां पर आपको तीसरे नंबर पर दिखेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। आरसीबी और लखनऊ के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद लखनऊ की जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स को एक पायदान का नुकसान हुआ है। अब वह दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। साथियों बात करें हम इस पॉइंट टेबल में 4 नंबर पर काबिज टीम के बारे में, तो आपको यहां पर 4 नंबर पर दिखेगी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में कोलकाता की शानदार जीत के बाद गुजरात टाइटंस दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई थी, लेकिन लखनऊ की जीत के बाद गुजरात टाइटंस को एक पायदान का नुकसान हुआ है। अब गुजरात टाइटंस 4 नंबर पर है इस पॉइंट टेबल में। तो वहीं 5वें नंबर पर आपको दिखेगी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग, जो कि टाटा 2023 में अब तक 3 मैच खेली है जिनमें उन्हें 2 में जीत तो ही 1 में हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग को इस पॉइंट टेबल में एक पायदान का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस मैच के पहले चेन्नई सुपर किंग 4 नंबर पर काबिज थी। इस पॉइंट टेबल में आपको 6 नंबर पर दिखेगी किंग इलेवन पंजाब, तो वहीं 7वें नंबर पर आपको दिखेगी सनराइजर्स हैदराबाद, तो वहीं आपको 8वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल दिखेगी। दिल्ली कैपिटल आईपीएल 2023 में अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं बात करें हम 9 नंबर की, तो 9 नंबर पर आपको दिखेगी 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 2 मैच खेले हैं इसे टाटा आईपीएल 2023 में और दोनों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है। साथियों बात करते हैं हम टॉप 3 बल्लेबाजों की जो ऑरेंज कप की सूची में शामिल है, तो आपको इस सूची में सबसे पहले दिखेंगे किंग इलेवन पंजाब के कप्तान शिखर धवन। टाटा आईपीएल 2023 के 3 मैचों में कुल मिलाकर शिखर धवन ने 225 रन बनाए हैं। इस ऑरेंज कप सूची में आपको ये टॉप पर दिखने वाले हैं। तो वहीं आपको दूसरे नंबर पर दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 3 मैचों में कुल 189 रन बनाए हैं। तो बात करें हम तीसरे नंबर पर, तो आपको दिखेंगे तीसरे नंबर पर आरसीबी के कप्तान
फाफ डू प्लेसी, जिन्होंने 3 मैचों में 175 रन बनाकर खुद को तीसरे नंबर पर काबिज किया। हालांकि इस ऑरेंज कप की सूची में टॉप 3 में बहुत जल्द आपको विराट कोहली दिखने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली फाफ डू प्लेसी से महज 10 रन पीछे हैं और हम आशा करते हैं कि अगले मैच में विराट कोहली इस टॉप 3 की सूची में आ जाएंगे।